अश्वघोष की सीरीज में आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जो इतिहास में काफी चर्चा में रहा। आइए ले चलते हैं आपको इस सफर की ओर। चंदेरी का किला आज भी राजपूतों के शौर्य और राजपुतानियों के जौहर की गाथा गाता है। इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय चंदेरी का प्रसिद्ध दुर्ग मेदनीराय के अधिकार में था, जिस पर काफी समय से बाबर की नजर थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसकी तरफ बढ़ा। बाबर ने मेदनीराय पर धावा बोला, लेकिन मेदनीराय ने किले का फाटक बंद कर दिया। इस किले का बाबर के लिए काफी महत्व। कहा जाता है यह किला बाबर के लिए काफी महत्व था, इसलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से यह किला मांगा। बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश भी की, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी न हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। दरअसल नगर के सामने 230 फीट ऊंची चट्टान पर चंदेरी का दुर्ग बना हुआ था। यह स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण से महत्वपूर्ण था। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। बाबर से मेदनीराय ने संधि करने से किया मना। बाबर कई प्रस्तावों के बाद भी मेदनीराय ने संधि करने से मना कर दिया। खानवा में बाबर की ताकत का सामना कर चुके मेदनीराय एक हंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के प्रलोभनों को नकार कर मेदनी ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया। इस किले तक पहुंचना था बेहद मुश्किल। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा। एक ही रात में काट डाला पहाड़ी को, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काट कर एक ऐसी दरार बना डाली, जिससे होकर उसकी पूरी सेना और हाथी और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच गई। आज भी वह रास्ता टूटे किले की बुर्जों से दिखता है, जिसे गौरी ने एक ही रात में पहाड़ी को कटवा कर बनाया था, तथा उसे कट्टा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। मेदनीराय ने ठानी युद्ध की। मेदनीराय ने जब सुबह अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो दंग रह गया, लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय किया। बौखलाए बाबर ने किले पर चारों ओर से इतनी जोर का हमला किया कि राजपूतानियों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए जौहर किया और राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरतापूर्वक लड़कर सबके सबीरगति को प्राप्त हुए और किले पर बाबर का अधिकार हो गया। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का जौहर अब तक के इतिहास का सबसे विशाल जौहर माना जाता है।